बोलिए भारत माता की। ऐसे लगत थी आज आवाज में सुन के कि हम कवर्धा के धरती में खड़े हन। एक बार फिर से लगना चाहिए कि कवर्धा के, पंडरिया के, मुरजंतर जनार्दन के जयकारा वाले हुंकार की आवाज आना चाहिए, बोलिए भारत माता की। दोनों हाथ उठा करके छत्तीसगढ़ माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और अब जो नारा लगवाने वाला हूं मैं, मोला दोबारा बुलवाए के जरूरत नहीं पड़ी, कवर की एक ही बार में ऐसे आवाज गूंजी कि पूरा राजनांदगांव लोकसभा में आवाज गूंजने वाला है। और मंच के हमारे अतिथि मन से निवेदन है, वो मन भी साथ ही बोलिए जय जय श्री राम। अब लगी इसकी वाकई में कवर्धा के पावन धरा में हम यहाँ बैठे हैं और एकर से एकत्रित हुए हैं कि पिछले 5 साल तक या अगले पिछला 3 महीना 4 महीना छोड़ दो, लगातार 5 साल तक के मोला लगते कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अगर बार बार चाहे मीडिया में, न्यूज़पेपर में या टीवी के माध्यम से सबसे ज्यादा कहीं की जनता परेशान हुए, सबसे ज्यादा कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता परेशान हुए, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कोई परेशान हुए तो कवर्धा जिला में सबसे ज्यादा है। सही कहा हो कि नहीं? सही है ना? तो याद है ना पिछला 5 साल कैसे निकले है, और हमार बार खुशी के अवसर घलो है, दो खुशी के अवसर है। पहली तो ये कि हमारे आदरणीय संतोष पांडे भैया जिला पुनः प्रत्याशी के रूप में उनका नाम की घोषणा हुई, जो बहुत ही सरल स्वभाव के और हमेशा उपलब्ध रहने वाला, एक बार में फोन उठाने वाला, इसे हमारे सांसद और आगे भविष्य में भी हमारे सांसद बनने वाला है। तो पहला खुशी तो ये, और दूसरा खुशी ये है कि जिन विरोधी है तेनों बढ़िया मिले नहीं बढ़िया। तो छत्तीसगढ़ के जो जितना हमारे 90 विधानसभा है, 11 लोकसभा है, ये समय दिखा देना है कि भैया जो 5 साल तक बहुत तपे सबला ओकर हिसाब किताब लोकसभा के हमारे राजनांदगांव के लोकसभा के जनता बराबर करी। तो तैयार हो ना हिसाब किताब बराबर करे बर, एक तरफ से बिल्कुल आवाज नहीं आते मोर भाई बहन, तैयार नहीं है? तैयार हो ना? तो आने वाले 26 तारीख को, 26 अप्रैल को चुनाव के वोटिंग होने वाला है। आप सब से निवेदन है कि 26 तारीख के डेट में सबसे प्रचंड बहुमत के साथ कवर्धा विधानसभा, पंडरिया विधानसभा से कमल फूला वोट पड़ना चाहिए। और 4 तारीख को, 4 जून को जब रिजल्ट निकल रही है तो सबसे ज्यादा पूरा लोकसभा में 8 विधानसभा आते हैं हमारे, झारा झारा वोट पंडरिया और कवर्धा से दिखना चाहिए।